Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे दो नए स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. तो जो पहला स्टॉक है उसका स्टॉक का नाम है RSWM. बेसिकली ये एक टेक्सटाइल कंपनी है. जो आप इसमें देख रहे हैं कि आज निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाई से 300 पॉइंट नीचे गई और अराउंड आई गेस 135 और 140 पॉइंट डाउन बंद हुई है. बट स्टॉक में स्ट्रेंथ देखिएगा गाइस. इसने जो अपना हाई लगाया था अराउंड 489 का, तो ये उससे बिल्कुल नीचे नहीं गया. ठीक है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, बट वो मार्केट नीचे जाने की वजह से, जब मार्केट 300 पॉइंट नीचे जाएगी तो फिर थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो आता ही है. बट स्टिल इट वाज इन ग्रीन. नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, तो वॉल्यूम अच्छे खासे वॉल्यूम है और स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है. तो अब हमें क्या करना है गाइस? हमें पोजिशन बनानी है. जो सेफ गेम प्ले करना चाहते हैं वो 485 के ऊपर पोजीशन बनाएं. जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, और अदरवाइज आप CMP पे पोजीशन बना सकते हैं गाइस. CMP है 481.90, अराउंड 482. तो 482 पे पोजीशन बना सकते हैं, और जो पहला टारगेट रहेगा गाइस वो 540 का होगा, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड होगा 460 का. तो 460 का स्टॉप लॉस लेके 481 पे पोजीशन बनाएंगे 540 के टारगेट्स के लिए. एंड गाइस अपना दूसरा स्टॉक है, कंपनी का नाम है मॉलटेक पैकेजिंग. सो बेसिकली ये पैकेजिंग कंपनी है. बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स गाइस पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. मैं फंडामेंटल्स पे नहीं जाऊँगा बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो. तो फंडामेंटल्स मैं चेक कर चुका हूँ, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं. RSWM के भी फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और इस कंपनी के भी. तो हम जस्ट टेक्निकल डिस्कस करेंगे. तो गाइस इसमें जो इसका क्लोजिंग प्राइस है बेसिकली वो 806 का था. ये लास्ट 15 मिनट का एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, तो 805 मान के चलते हैं. और इसने आज जो हाई बनाया गाइस 861 का बनाया, उसके बाद इसमें अच्छी खासी सेलिंग आई, एंड वो सेलिंग मार्केट नीचे जाने की वजह से नहीं आई थी, एक कंसोलिडेशन होती रही. मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंट्राडे चार्ट में. तो ये इसने हाई बनाया गाइस, उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक आई अराउंड 800 तक. उसके बाद इसमें एक कंसोलिडेशन चलती रही मार्केट, जबकि 300 पॉइंट नीचे गई अपने हाई से. बट ये स्टॉक प्राइस 800 से नीचे नहीं गया. तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ तक 802 तक लो बनाया, बट उससे नीचे जाने को ये रेडी नहीं था. तो इसमें यहाँ एक कंसोलिडेशन होती रही, पोजीशंस बनती रही, और कुछ लोग अपना पोजीशन से एग्जिट करते रहे जिन्होंने नीचे बाय किया होगा. बट एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है स्टॉक में. तो अब हमें क्या करना है गाइस? हम इसके डेली चार्ट पे वापस चलते हैं. तो गाइस हमें 775 का स्टॉप लॉस लेना है, और अगर आप ज़्यादा सेफ गेम प्ले करना चाहते हैं तो 770 का लीजिए. सो 770 का स्टॉप लॉस लेना है, और CMP पे पोजीशन बनाएंगे, और 900 का टारगेट होगा गाइस. 770 का स्टॉप लॉस या 775 का, वट एवर यू लाइक, ऑन द क्लोजिंग बेसिस. एंड CMP पोजीशन बनाएंगे, CMP 805 806, 900 का टारगेट रहेगा गाइस. एंड हम अपने कल वाले दो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं. तो एक तो था APL अपोलो. तो गाइस जब मैंने वीडियो बनाई थी ये 985 पे क्लोज हुआ था, तो थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, ये 996 दिखा रहा है ऑलमोस्ट. या नीचे देखते हैं तो 996 पे ओपन हुआ, और इसने हाई बनाया 1035 का ऑलमोस्ट.
तो 1035 का हाई बनाया, तो 40 रुपये की मूव दी, एंड इंट्राडे में आपको अराउंड 4% मिल गया। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते थे तो कर सकते थे, बट हाँ, मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। हमारी पोजीशन इंटैक्ट है बिकॉज हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो 1050 के ऊपर करेंगे या फिर बिल्कुल 1100 के पास। और दूसरा स्टॉक था मिंडा कॉरपोरेशन, तो गाइज ये आप देख सकते हैं, अगर हम इसके इंट्राडे चार्ट पे चले वहाँ हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो ये यहाँ पे कुछ ओपन हुआ, ये ओपन हाई पे हुआ 179-180 पे ओपन हुआ, बट उसके बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट मार्केट वाज गोइंग डाउन, तो उसने मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो किया और मार्केट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये अपने कल वाले प्राइस के आसपास बंद हुआ जो कि 174 का था। तो नो वरीज गाइज, होल्ड कीजिए पोजिशंस को, वही स्टॉप लॉस रहेंगे, वही टारगेट्स रहेंगे, ठीक है, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। एंड बाकी गाइज, अगर आप मेरी वीडियोस को, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एक चीज़ और गाइज, टेक महिंद्रा पे नज़र रखिएगा, उसने ब्रेकआउट दिया है एंड फॉलिंग मार्केट में भी वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो मैं आपके साथ वो स्टॉक इसलिए दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वीडियो बना के उसको बताया था, तब उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 1600 का स्टॉप लॉस था, 1630 के ऊपर पोजीशन बनाने को बोला था, तो मैं अगेन उसको नहीं कंसीडर करना चाहता, बट हाँ 1630 के ऊपर और 1640 के बीच में पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है गाइस, उस स्टॉक पे नज़र रखिएगा, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, आप अगर ऑप्शन में डील करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप उसकी कॉल भी लेके रख सकते हैं, ठीक है, 1700 वाली कॉल आप लेके रख सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑप्शंस के मैं नहीं बता सकता, वो आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग या आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा, बट हाँ उस स्टॉक पे नज़र ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।